subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 3 अफराद जान बहक, 24 घंटे के दौरान 707 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस से अमवात की मजमूनी तादाद 6,739 हो गई। बैरूनी दबाव से अफगानिस्तान के अवाम पर राय मुसल्लत नहीं हो सकती, वज़ीर आज़म कहते हैं अफगानिस्तान में इंतशार के बायस सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इंसान माजी से सीखता है रहता नहीं, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। गुस्ताखाना खाकों का मामला, मुसलमानों की दिल आजारी, फ्रांसीसी सफीर दफ्तर खारजा तलब। वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दिल आजारी का हक किसी को नहीं। जाली लीडर आज मसीहाई के दावेदार बन रहे हैं, शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान ने अवाम को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। तमाम अवामी हुकूक जिन पर आप ताने कस रही हैं अवाम को मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि नफरत अंगेज मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए, जबकि फेसबुक पर होलोकास्ट की पाबंदी की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी होनी चाहिए। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,739 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,28,602 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 707 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,875, सिंध में 1,43,836, खैबर पख्तूनख्वा में 39,043, बलोचिस्तान में 15,810, गिलगित बल्तिस्तान में 4,180, इस्लामाबाद में 19,012, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,846 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,90,545 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,492 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,075 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,739 हो गई। पंजाब में 2,335, सिंध में 2,598, खैबर पख्तूनख्वा में 1,269, इस्लामाबाद में 212, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 87 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फॉर्म का इनेकाद खुश आइंद है। अफगानिस्तान में इंतशार से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान मुंतखब अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान तिजारत और सरमायाकारी फोरम 2020 से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक अफगान ताल्लुकात की एक तारीख है। अफगानिस्तान से लोग तिजारत के लिए कलकत्ता जाते थे। इस खित्ते के अफगानिस्तान से रवाबित सदियों से हैं। अफगानिस्तान को हर दौर में खित्ते में अहमियत हासिल रही है। अवामी रवाबित से बाहमी ताल्लुकात को फरोग मिलता है। इमरान खान का कहना था, बदकिस्मती से 40 साल से अफगानिस्तान में इंतशार है। अफगानिस्तान में इंतशार के बायस सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इंसान माजी से सीखता है रहता नहीं, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए।
बैरूनी दबाव से अफगानिस्तान के आवाम पर राय मुसलत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में कभी बैरूनी मदाखलत कामयाब नहीं हुई। अफगानिस्तान के लोगों को अपने फैसले खुद करने होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी इससे ताल्लुकात मजबूत रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 72 साल में भारत में मुसलमानों से नफरत करने वाली ऐसी हुकूमतें नहीं आई। खदशा है भारत पाकिस्तान में इंतशार के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करेगा। भारत से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। भारत नजरियाती तौर पर हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान ने गुस्तखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा गुस्तखाना खाकों की अशायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि गुस्तखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जाता है। अक्वामे मुतहदा फिलफौर नफरत अंगेज बयानिये का नोटिस ले। नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, इसके नतायज शदीद होंगे। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी का किसी को हक नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कुछ अरसा कबल चार्ली हेब्डो ने गुस्तखाना खाके शाया किए। फ्रांसीसी अखबार की नापाक जसारत पर शदीद एहतजाज और मजम्मत की है। कभी कुरान पाक को शहीद करने के वाकयात सामने आते हैं। वजीर आजम ने अक्वामे मुतहदा जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई। वजीर आजम ने बानी फेसबुक से इस्लाम मुखालिफ मवाद रोकने का कहा। OIC के आइंदा इजलास में जामे करारदाद पेश करूंगा। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर तय करने की तजवीज़ देंगे। इससे कबल वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है। फ्रांसीसी सदर को दुनिया को तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अवाम का सौदा करने वाले जाली लीडर आज मसीहाई के दावेदार बन रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामून खसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा है। मईशत को दिवालिया करने वाली नून लीग मईशत पर भाषण बंद करे। उन्होंने कहा कि खसारे को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर छोड़कर जाने वाले आप थे। मईशत को आपके जाली वजीर खजाना ने 8 अरब डॉलर खजाने से निकाल कर तबाह किया। शहबाज गिल का कहना था के ऊपर सब अच्छा दिखाने के लिए डॉलर को मस्नूई तरीके से स्टेबल रखा गया। 2013 में स्टेबल रेटेड मईशत को बड़ी मेहनत से 2018 में उन्होंने मनफी रेटिंग में पहुंचाया। मामून खसूसी ने कहा कि इमरान खान ने आवाम को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। तमाम अवामी हुकूक जिन पर आप ताने कस रही हैं आवाम को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अंडों की बात वो मोहतरमा कर रही हैं जिन्होंने सर से अंडा घुमा घुमा कर खानदानी गुलामी का ओहदा पाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीका की मल्टी नेशनल कंपनी और दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिखकर इस्लाम मुखालफत मवाद पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीका की मल्टी नेशनल कंपनी और दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को खत लिखकर इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि नफरत मुखालिफ मवाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए जबकि फेसबुक पर होलोकास्ट की पाबंदी की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ख्याल रहे कि
قبل اپنے ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون کو انتہا پسندوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کے بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا، دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کیا، دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی، توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہیں۔ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.